टॉप फाइव बेस्ट लैपटॉप अंडर 35,000 बता देता हूँ। बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आपने वीडियोस वगैरह नहीं चेकआउट की, लाइक मैंने 20,000 से लेके या 1 लाख के अपर भी वीडियो की है लैपटॉप की, जो कि इस मंथ के दी बेस्ट लैपटॉप आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उनको चेकआउट कर लेना। आई बटन में लिंक दे दूंगा। आई बटन में लिंक ना मिला, मेरे चैनल को क्लिक करना, प्ले लिस्ट में जाना, पीसी एंड लैपटॉप का फोल्डर होगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है या जो भी आपका बजट है उसके रिलेटेड आपको वीडियोस वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो उसको चेकआउट कर लेना। मैं बहुत मेहनत से यार वीडियोस करता हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो सर, लेकिन सॉरी सबसे पहले मेरा इंट्रो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन, रॉबिन औजला, वेलकम टू दी औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पर। अगर चैनल पर नया हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट कर लेना। तो आज हम बात करेंगे 35,000 के बजट में लैपटॉप की। लाइक आपको 35,000 में लैपटॉप लाइक स्टूडेंट्स के लिए प्लस ऑफिस वर्क के लिए बहुत डिसेंट परफॉर्मेंस लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं। प्लस यार एक भाई ने मुझे कमेंट का किया था कि मुझे लैपटॉप चाहिए 35,000 के बजट में, सो दैट्स वाई मैंने कहा कि चलो एक वीडियो ही कर देता हूँ। सो दैट्स वाई आज मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पर आता है असूस की ओर से लैपटॉप। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, असूस एक ऐसा ब्रांड है कि आपको 25,000 के बजट में 30,000 के बजट में दी बेस्ट लैपटॉप प्रोवाइड कर देता है। इस रेंज में आपको लोडेड लैपटॉप देखने को मिल जाते हैं, चाहे आपने स्टूडेंट हो, चाहे आपने ऑफिस वर्क के लिए लेना है, चाहे आप टीचर्स हो, एमएस ऑफिस यूज़ करना चाहते हो, नॉर्मली कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। लेकिन कई बंदे होते हैं जिनको डेल लैपटॉप चाहिए, एचपी का लैपटॉप चाहिए, तो उनके लिए भी वीडियो बनी है ये वाली, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा, डेल एंड एचपी का भी लैपटॉप बता दूंगा, अगर आप वो लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर आते हैं असूस की ओर से लैपटॉप। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको फिंगरप्रिंट इसमें देखने को मिल जाता है, प्लस आपको लाइट वेट एंड थिन डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है। प्लस पॉइंट इसके बहुत है, ठीक है, मैं पूरे नहीं बताने वाला बिकॉज मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वीडियो इतनी लंबी हो जाए। तो मेन स्पेसिफिकेशन की सीधा बात कर लेते हैं। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i3 8th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 6 GB रैम मिलती है, प्लस आप अपग्रेड भी कर सकते हो, प्लस 1 TB आपको HDD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 मिलती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, आपको 3 या 4 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाती है। प्लस पॉइंट इसमें आपको ये मिलता है, अगर आपके लैपटॉप की बैटरी कम जल्दी हो भी जाती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 60% चार्ज सिर्फ ये 39 मिनट में कर देता है, जो कि इसका प्लस पॉइंट है। अगर आप जाना चाहते हो असूस के लैपटॉप की ओर, आप जा सकते हो। मॉडल नंबर प्लस प्राइस वगैरह आप खुद चेकआउट कर लेना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, भाई चेकआउट कर लेना, ठीक है। अगर आप इसकी ओर जाना चाहते हो, एमएस ऑफिस यूज़ करते हो, करना चाहते हो, जैसे मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। प्लस आपको फिंगरप्रिंट मिल जाता है, प्लस पॉइंट है। आगे बात कर लेते हैं नंबर 4 की। नंबर 4 की बात करूँ, नंबर 4 पर आता है एसर की ओर से लैपटॉप, एसर एस्पायर 5। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नंबर 5 पर बताया स्पेसिफिकेशन इसकी सेम है, माइनस पॉइंट इतना कि आपको फिंगरप्रिंट इसमें नहीं देखने को मिलता। प्लस पॉइंट इसमें आपको ये मिल जाता है कि आपको 8 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाती है। अगर आपको बैटरी लाइफ ज़्यादा चाहिए, अगर आपका ऐसा काम है कि आपको बैटरी लाइफ आपके लैपटॉप में ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा प्रेफर करते हो, तो आपके लिए दी बेस्ट हो सकता है। अगर आपने इसकी और जाना है आप जा सकते हो। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की। तो डिस्प्ले की बात करूँ, आपको 15.6 इंच फुल एचडी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ, आपको i3 8th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ, आपको 4 GB रैम मिलती है, प्लस अपग्रेड आप कर सकते हो, प्लस 1 TB आपको HDD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ, आपको इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ, आपको विंडो 10 देखने को मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ, मिनिमम आपको जो 8 आवर्स की बैटरी लाइफ ये प्रोवाइड कर देता है, जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो, एमएस ऑफिस वगैरह कर सकते हो, ठीक है, जो कि आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। आगे बात कर लेते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 की बात करूँ, नंबर 3 पर आता है एसर की ओर से फिर से लैपटॉप। मॉडल नंबर हो रहा है, ये पुराने वाला नहीं है, ठीक है। एसर एस्पायर 3 की बात कर रहा हूँ, आपको लाइट वेट एंड थिन डिज़ाइन देखने को मिल जाता है। प्लस पॉइंट इसके बहुत है, जितने भी इसके कलर आते हैं वो कलर बहुत ज़्यादा सही लुक देते हैं। अगर आपको स्टाइलिश लैपटॉप चाहिए तो आप इसकी ओर जा सकते हो। प्लस आपको इसमें SSD देखने को मिलती है। SSD का जिनको बेनिफिट नहीं पता मैं बता देता हूँ, लाइक अगर आप HDD यूज़ करते हो एंड आपने पेन ड्राइव जो भी अपने फ़ोन वगैरह में ट्रांसफ़र करते हो, अगर डाटा वगैरह आप ट्रांसफ़र करते हो तो वो टाइम बहुत लेती है। अगर SSD में आप करते हो तो वो फास्ट हो जाती है। अगर आपका कोई काम ऐसा है कि आपको डाटा वगैरह जल्दी ट्रांसफ़र करना पड़ता है या ज़्यादा करना पड़ता है, तो आप इस लैपटॉप की ओर जाना, बिकॉज आपको SSD मिल जाती है 256 GB।
आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। प्लस इसके कलर बहुत ज़्यादा सही है, डिज़ाइन बहुत ज़्यादा सही है, हाथ में पकड़ा होगा वो लुक बहुत ज़्यादा सही देने वाला है। एसर ब्रांड है, ट्रस्टेड ब्रांड है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i3 8th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 4GB रैम मिलती है, प्लस 256GB आपको SSD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको इंटर UHD ग्राफिक 620 देखने को मिल जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ आपको 7 आवर्स की मिनिमम बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाती है। तो अगर आपने जाना भाई एसर की और आप जा सकते हो, जैसे भी आपका दिल करता है आप कर सकते हो। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जितने भी मैं आपको लैपटॉप बताऊँगा, कई यार उनमें से लैपटॉप जो है अवेलेबल होंगे अमेज़ॉन पे, तो सर्च आउट करते रहना। अगर आप कोई भी लैपटॉप आपके दिल को लग जाता है तो उसको सर्च आउट करते रहना, जब भी उसकी जो सेल है वो स्टार्ट होगी आपको बहुत ज़्यादा सही प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। आज बात कर रहे हैं हम 35,000 की, अगर आप सेल में लोगे यही लैपटॉप आपको 30,000 में आराम से मिल जाएंगे, उसके नीचे भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। सेल में अगर ले सकते हो आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपने जल्दी लेना है तो अभी अवेलेबल कई लैपटॉप नहीं है तो उनको चेकआउट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं नंबर टू की बात करूँ। नंबर टू पर आता है डेल की ओर से लैपटॉप। अगर आप डेल लवर हो या आप ट्रस्टेड ब्रांड की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है बिकॉज डेल ब्रांड बहुत पुराना है। उसके बाद हम बात करें आपको फिंगरप्रिंट इसमें देखने को मिल जाता है। फिंगरप्रिंट के साथ साथ आपको HD वेब कैमरा भी इसके साथ देखने को मिल जाता है। अगर कोई काम आपका ऐसा है जगह, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस वगैरह लगाते हो, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है बिकॉज आपकी जो वीडियो कॉलिंग एक्सपीरियंस होगा वो भी बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा। बात करें परफॉर्मेंस की, आपको परफॉर्मेंस भी बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाती है। जितना काम करना चाहते हो कर सकते हो, लोडेड लैपटॉप है। बात कर लेते हैं मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 14 इंच HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। इसकी जो डिस्प्ले साइज है थोड़ा सा छोटा है बट उसको मैनेज कर सकते हो आप। प्रोसेसर की बात करूँ आपको i3 10th जनरेशन के साथ देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 4GB रैम मिलती है, प्लस 1TB HDD देखने को मिल जाती है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको UMA ग्राफिक इसमें देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिल जाती है, प्लस बैटरी लाइफ की बात करूँ आपको 7 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाती है। अगर आपने जाना है इसकी ओर आप जा सकते हो, जैसे भी आपका दिल करता है भाई आप कर सकते हो। पैसे आपके हैं, वीडियो आपकी है, अमेज़ॉन आपका है, बजट देख लेना, डिज़ाइन देख लेना, स्पेसिफिकेशन वगैरह आप चेकआउट कर लेना। मैं बताई भी जा रहा हूँ लेकिन आप खुद भी चेकआउट कर लेना। आगे बात कर लेते हैं नंबर वन पर आता है फिर से असूस की ओर से लैपटॉप। इसमें यार आपको कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, प्लस राइजन का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको राइजन का प्रोसेसर नहीं चाहिए, आपको इंटेल का प्रोसेसर चाहिए, आप जा सकते हो। इसके मॉडल नंबर और भी बहुत आपको देखने को मिल जाएंगे। मॉडल नंबर आप देख लेना, सर्च आउट कर लेना, मैंने लिंक दिया है। जो भी अगर आपने इंटेल का प्रोसेसर लेना है आप ले सकते हो, अगर आपने राइजन का प्रोसेसर लेना है आप राइजन का प्रोसेसर ले सकते हो। अभी बात करते हैं राइजन इंटेल की, कई लोगों को नहीं पता होगा तो मैं बता दूं, राइजन का प्रोसेसर बहुत ज़्यादा सही होते हैं। माइनस पॉइंट इतना होता है कि जो बैटरी है वो ज़्यादा खींचती हैं, इससे ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। राइजन के प्रोसेसर दी बेस्ट होते हैं, इंटेल राइजन दी बेस्ट है। जो लेना चाहते हो ले सकते हो, जैसे करना है भाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात कर लेते हैं आगे मतलब मेन स्पेसिफिकेशन की, तो डिस्प्ले की बात करूँ आपको 15.6 इंच फुल HD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ आपको AMD R5 2500 देखने को मिल जाता है। स्टोरेज की बात करूँ आपको 4GB रैम मिलती है, प्लस 1TB HDD देखने को मिल जाती है। आप रैम को अपग्रेड भी इसमें कर सकते हो, ठीक है। ग्राफिक कार्ड की बात करूँ आपको AMD Radeon ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ आपको विंडो 10 मिलती है। बैटरी लाइफ की बात करूँ आपको 6 आवर्स की बैटरी लाइफ इसमें देखने को मिल जाती है। बात करते हैं अभी इस लैपटॉप की, तो इस लैपटॉप का यार मुझे कलर बिल्कुल नहीं पसंद। जो मैंने आपको पिक दिखाई है वो कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता इस लैपटॉप में। बट अगर आप जाना चाहते हो और भी कलर इसके आते हैं चेकआउट कर लेना, आप ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, सभी के प्राइस मॉडल नंबर वहाँ पर से चेकआउट कर लेना। उसके रिलेटेड अगर आपको कोई और लैपटॉप चाहिए आप ले सकते हो, जैसे दिल करता है कर सकते हो। तो अभी बात करते हैं इनमें से दी बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। अगर आप स्टूडेंट हो, अगर आपको ऑफिस वर्क के लिए चाहिए, अगर आप टीचर्स हो, तो सीधी सी बात है नंबर थ्री की ओर ही जाना आपके लिए दी बेस्ट है। एसर की बात कर रहा हूँ, एसर एस्पायर 3 की। आपको SSD देखने को मिल जाता है जो कि प्लस पॉइंट है। डाटा वगैरह ट्रांसफ़र करना है आप कर सकते हो, प्लस आपको लोडेड मिल जाता है, प्लस आपको डिज़ाइन वगैरह भी बहुत ज़्यादा सही देखने को मिल जाता है। नंबर थ्री दी बेस्ट है। उसके बाद अगर आपने डेल की ओर जाना आप जा सकते हो, सूस की ओर जाना आप जा सकते हो, जैसे दिल करना भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। मैंने आपको सभी कुछ बता दिया, तो अभी यार मेरी वीडियो यहीं पर हो जाती है ख़त्म।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी यार, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के भी दोस्तों को भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो। लिंक वगैरह यार आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, उसको चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।